सरायकेला खरसावां जिले के ईचागढ़ थाना क्षेत्र में एक बार फिर हाथियों के झुंड ने कई घरों को तोड़ दिया। घटना डूमटांड गांव की है, जहां हाथियों ने घरों को तोड़कर वहां रखा अनाज खा गए। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि हाथियों का एक झुंड गांव के करीब दुलमी डी जंगल में डेरा जमाए हुए था। इसी दौरान हाथियों को भगाने का कोशिश की गई। इसी दौरान दो हाथी झुंड से अलग होकर गांव का रुख कर लिए। घटना के बाद स्थानीय नेता और वन विभाग की टीम ने मौके का जायजा लिया। जंगली हाथियों का झुंड जो दुलमीडी तूता के जंगल में डेरा डाला हुआ था, उसको हाथी भगाओ दस्ता के द्वारा भगाया जा रहा था। उसी बीच झुंड से बिछड़ा हुआ दो हाथियों के द्वारा डूमटांड में दो घर को बुरी तरह से क्षति किया है और एक घर को आंशिक रूप से क्षति किया एवं धान खाया है। बेगूसराय पुलिस ने जिले के चर्चित मुखिया हत्याकांड के एक अभियुक्त जगदीश महतो उर्फ छोटू को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल बीते वर्ष फरवरी में समसा पंचायत की मुखिया हेमा मौर्य की हत्या अपराधियों ने कर दी थी। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक देशी राइफल, एक देशी पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस मिला है। गिरफ्तार अपराधी पर हत्या के कई मामले दर्ज हैं। बेगूसराय बखरी नागोठी का एक बहुत ही चर्चित हत्याकांड हुआ था पिछले साल। हेमा मुखिया की हत्या की गई थी, जिसमें 23 लोगों को नामजद किया गया था। उसमें कई लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई थी और कुछ लोग बाकी थे। उसी सिलसिले में छोटू कुमार उस जगदीश महतो, अब जिसके पिता का नाम अवधेश महतो है, जो समसा नागकोठी का ही रहने वाला है, ये कई दिनों से फरार चल रहा था। इसी में पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार समसा बांध के पास से इसकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के समय इसके पास देसी कट्टा और 5 कारतूस बरामद किया गया। खगड़िया जिले में एक व्यक्ति के खेत में लगे फसल को बदमाशों ने बर्बाद कर दिया। दरअसल मामला दिघौन पंचायत के जिलेबिया बहियार का है, जहां जमीनी विवाद को लेकर बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना देने के बावजूद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। ये मकई जो कटा है, ये 107 हुआ था, पुलिस केस किया था। 107 हुआ था, पहले प्रशासन आई थी, गाछ कटा था, उसी में आकर के जो है उनका कहना हुआ कि नहीं ये सत है। पुलिस प्रशासन आकर के सत जांच कर करके उन्होंने भेज दिया कि दोनों शांतिपूर्वक रहो, लड़ो नहीं अपने में। 107 हुआ, नोटिस आने के बाद उसी दिन से ये गाली गुप्ता मारपीट करना शुरू कर दिया, हर रास्ता को बंद करना शुरू कर दिया। बेदिया के नौतन के वार्ड नंबर 8 में शॉर्ट सर्किट के से घर में आग लग गई, जिसके वजह से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। इस मामले में बीडीओ ने कहा कि जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि बेतिया की खबर है, जहां शॉर्ट सर्किट्स की वजह से आग लग गई और जिसके बाद लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया और इस मामले में बीडीओ ने कहा कि जो भी मामला सामने आएगा उसके बाद मदद दी जाएगी यथासंभव सरकार की तरफ से। मधुबनी जिले के दुर्गापट्टी गांव में वार्ड नंबर 15 में आंगनबाड़ी सेविका बहाली के दौरान ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि आमसभा के अध्यक्ष दूसरे वार्ड के निवासी को सेविका के रूप में चयनित कर रहा था, जिसके बाद ग्रामीणों ने विरोध किया। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कर मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के सिसौनी पंचायत में नल जल योजना अनियमितता की भेंट चढ़ गई। इस वजह से यहां के लोग काफी आक्रोशित हैं। योजना में भ्रष्टाचार के कारण यहां के निवासियों के लिए पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है, जिसे लोगों को गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। इससे गंभीर बीमारियों का खतरा भी बना रहता है। इस संबंध में कई बार विभागीय अधिकारियों की शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। जो था, तीन महीना से कोटा नहीं दे रहा है डीलर,
आई तीन महीना से कोटा नहीं दे रहा है। सबरत सब कथु दिल्क ये टोल न छाटे के चले है। हम गरीब के आदमी हम लोग का जो पाइप लगा हुआ है सो पाइप कहाँ चल गया सो पता नहीं पता है। और मुखिया जी 5 साल में घूर के एको बेर नहीं आया यहाँ पर। और दूसरी बात है मधुबनी जिले के वैरवा गांव में लोगों के बीच आस्था का सैलाब उस वक्त उमड़ पड़ा जब खेत में मिट्टी खुदाई के दौरान लगभग 5 फीट के अष्टधातु की भगवान विष्णु की प्रतिमा मिली। खबर फैलते ही मूर्ति के दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और पूजा अर्चना शुरू कर दी गई। ग्रामीणों ने बताया कि मूर्ति को जल्द ही भव्य मंदिर बनाकर स्थापित किया जाएगा। तो कृपया हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। बता दें कि खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है, अष्ट धातु की मूर्ति। हालांकि जो खुदाई के बाद पुरातत्व वेताओं ने बताया कि यह मूर्ति गुप्तकालीन है और इस मूर्ति की कीमत बाजार में करोड़ों में आकी गई है। हालांकि आस्था का जो है सैलाब वहां देखने को मिला, लोगों में भक्ति की भावना घर कर गई और लोगों ने यह कहा कि यहां पर भव्य विष्णु की मंदिर बनाई जाएगी और इसी मंदिर में भगवान विष्णु की जो प्रतिमा मिली है इसे स्थापित किया जाएगा। कल से मिट्टी खन रहे और कल से ऐसे पत्थर मिला कल ही और हम लोग इसे पत्थर समझ के छोड़ दिए कि कोई चीज होगा मतलब, तो हम लोग कल छोड़ दिए। आज सवेरे फिर आए हम फिर यहाँ पे आगे मिट्टी खने और इसको सफाई किए तो आज देखे कि इसमें मिट्टी खड़ा है और हम लोग सब आदमी इसको सीधा किए तो इसमें मूर्ति निकली लगभग 15-16 आदमी से लगभग उसका वजन भी कम से कम 4-5 क्विंटल से कम नहीं है। कटिहार जिले के नगर थाना क्षेत्र के दुर्गा मंदिर परिसर में विवादित किताब बेचते हुए 11 लोग पकड़े गए हैं। हिंदूवादी संस्था के लोगों ने मंदिर परिसर में हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े इन किताबों के साथ प्रचार कर रहे लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया जिसमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। आपको बता दें यह दूसरी खबर है धर्म से जुड़ी हुई जहां पर एक नया मामला सामने आया। हिंदू देवी देवताओं के मंदिर है जहां पर कुछ लोग किताबें बेच रहे थे जिनमें देवी देवताओं के बारे में आपत्तिजनक चीज़ें लिखी गई थी या आरोप लगाया और तब ग्रामीणों ने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस पूरे मामले की शिकायत दर्ज करने के बाद गहनता से जाँच पड़ताल कर ली गई और सबसे बड़ी बात है कि इस सब में कुछ महिलाएं भी शामिल हैं जो यहां पर मंदिर परिसर में ही पुस्तकें विवादित पुस्तकें बेचने का उन पर भी आरोप लगा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरायकेला खरसावा जिले में प्रशासन ने सघन वाहन और मास्क चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान मास्क नहीं लगाने वालों को लोगों को चेतावनी देकर छोड़ा गया। वहीं मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी जागरूक किया गया। सर, कोरोना बीमारी का बढ़ते हुए देखते हुए मास्क चेकिंग किया जा रहा है, साथ ही पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है तो उसी को देखते हुए गाड़ी वगैरह का चेकिंग किया जा रहा है। सर, इसमें सिर्फ मास्क का ही चेकिंग हो रहा है कि और कुछ? मास्क का भी चेकिंग हो रहा है, साथ ही गाड़ी वगैरह का भी चेकिंग किया जा रहा है। होली के पहले पटना वासियों को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। पटना के आर ब्लॉक गोलंबर से जीपीओ गोलंबर को जोड़ने वाला फ्लाईओवर बनकर तैयार हो गया है जिसका 25 मार्च को सीएम नीतीश कुमार उद्घाटन करने वाले हैं। इस फ्लाईओवर के बनने से जीपीओ गोलंबर पर जाम की समस्या से निजात मिलेगी।